नहीं है। विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से इसको लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। जब से देश में इस कानून को लेकर बातें चल रही थी, लगातार विपक्ष ने इसका विरोध ही किया है और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दें, एक और भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते नज़र आ रहे हैं। ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था इस कानून को लागू करने का, वो करके दिखाया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उससे भटकाने का कोशिश है ये भाजपा सरकार की ओर से, इसीलिए इस वक्त पर इस कानून को लागू किया गया है। हालांकि प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार इस मुद्दे पर जारी है। एक प्रतिक्रिया भाजपा के विधायक नितिन नवीन की भी सामने आई है और विपक्ष पर काफी हमलावर नजर आए हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाजपा विधायक नितिन नवीन, पहले आप वो सुने। नहीं है, विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यक को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेता हमेशा अल्पसंख्यक बोलते हैं लेकिन अल्पसंख्यक शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक पर बहुत लंबी लंबी बातें बोलने वाले लोग आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं हिंदू, उन पर एक टिप्पणी नहीं होती है और ये उन्हीं को अधिकार दिलाने का विषय है कि जो भ्रांति फैलाने का खेल खेल रहे हैं, इससे देश में रहने वाले किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, ये जरूर है कि देश के बाहर रहने वाले जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। आपने सुना, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जमकर विपक्ष पर हमलावर थे, कहते नजर आ रहे थे कि विपक्ष को घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। इस कानून के लागू होने के चलते आसपास के देशों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव शुरू से किया गया है, उनको नागरिकता दिलाने के लिए ये एक पहल है भारत सरकार की ओर से। और जो विपक्ष लगातार अल्पसंख्यकों की बात करता है, उन्हें इन अल्पसंख्यकों की कोई चिंता नहीं है, ये लोग केवल राजनीति करते हैं अल्पसंख्यक के नाम पर। आपको बता दें कि लगातार सीए कानून को लेकर जो विवाद है वो जारी है, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एक और विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी कर रही है कि आखिर उसी वक्त इस कानून को क्यों लाया गया जिस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर है, और साथ ही ये भी आरोप लग रहा है भाजपा पर कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है भाजपा की। तो वहीं भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि वो सीए का कानून देश में लेकर आएंगे और ऐसा ही हुआ। इसी को लेकर भाजपा विधायक नितिन नवीन की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने समझाया किस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद रहेगा ये कानून। तो वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।